यूपी में कहीं दीप जले तो कहीं दिल जले, कहीं रोशनी बहुत तेज दिखी तो क्या कहीं दिलों में अंधेरा छा गया? क्या यूपी में हिंदू बहुत खुश हैं और मुस्लिम नाराज चल रहे हैं? क्या मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर हटाए गए या मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटे? लखनऊ, वाराणसी और कानपुर समेत यूपी के शहरों में सुबह सुबह क्या हुआ? 80-20 का नया फॉर्मूला लाउड और क्लियर समझिए। यूपी में फिर शुरू हुआ लाउड स्पीकर हटाओ अभियान। मस्जिदों से उतारे गए अवैध लाउड स्पीकर्स, मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर्स पर भी कार्रवाई। यूपी के सभी शहरों में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पुलिस एक्शन में दिखी। धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउड स्पीकर्स के खिलाफ अभियान चलाया गया। जहां नियमों के खिलाफ लाउड स्पीकर बज रहे थे, प्रशासन ने उसे उतरवा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में आज लाउड स्पीकर्स को लेकर के अभियान चलाया गया है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में इस समय सतखंडा इलाके में जो हमजा मस्जिद है, हमजा मस्जिद में भी पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे थे। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, हर जगह ये लाउड स्पीकर्स चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है पुलिस को कि लाउड स्पीकर्स की जो ध्वनि है वो नियंत्रण में रहे, वो पूरी तरीके से शासन के जो निर्देश है उसके हिसाब से रहे। यही वजह है कि इस हमजा मस्जिद में 3 लाउड स्पीकर्स हुआ करते थे, उनमें से एक लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है, जबकि 2 की जो वॉल्यूम है उसको एडजस्ट की गई है। मस्जिद के जो साहब लोग हैं वो हमारे साथ उससे मौजूद हैं। हाफिज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि पुलिस यहां पहुंची, प्रशासन के लोग यहां पहुंचे, क्या जानकारी आपको दी और किस तरीके से एक लाउड स्पीकर कम कराया? आज सुबह प्रशासन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लाउड स्पीकर कम कर दीजिए और इसको जो है गाइडलाइन के हिसाब से चलाइए। तो हम लोगों ने स्वीकार किया कि ठीक है, जो भी आदेश होगा गवर्नमेंट का हम उस पर अमल करेंगे। पुलिस ने 7 बजे तक 61,399 लाउड स्पीकर्स को चेक किया, जिसमें 7,288 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम किया गया, जबकि 3,238 लाउड स्पीकर्स को पुलिस ने हटा दिया। पुलिस ने उन मंदिरों में भी लाउड स्पीकर्स उतरवाए जहां नियमों की अनदेखी की गई थी। इसके बावजूद कुछ मुस्लिम संगठन इस एक्शन को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ कर दिया कि यूपी में कानून सबके लिए बराबर है। इस तरीके से लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है, उनको ध्वनि कम की जा रही है, आने वाले त्योहार के समय में इस तरीके की कार्रवाई को सर कैसे देखते हैं? मुसलमान जो पक्ष है वो बोल रहा है कि सिर्फ उसे मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर। ये कानून तो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। इससे पहले यूपी में पिछले साल 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अवैध लाउड स्पीकर्स उतारने का अभियान चला था। इस दौरान यूपी पुलिस ने धार्मिक स्थलों से करीब 72,509 लाउड स्पीकर्स हटाए, जबकि 56,558 लाउड स्पीकर्स की आवाज को कम कराया। 13,145 लाउड स्पीकर्स स्कूलों को, जबकि 1,583 लाउड स्पीकर्स पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सौंपे गए, यानी करीब 1,29,000 लाउड स्पीकर्स पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि यूपी सरकार के इस एक्शन के बाद कई जगहों पर फिर से लाउड स्पीकर्स लगा दिए गए थे, जिसके बाद योगी सरकार ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। लाउड स्पीकर्स हटाने की सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही की जा रही है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसमें भी सियासत तलाश रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास के मुताबिक सरकार एक धर्म के खिलाफ काम कर रही है। कावड़ जैसी यात्राओं में भी खूब शोर होता है, हंगामा होता है, लेकिन सरकार उस पर पाबंदी नहीं लगाती। देखिए मसला सिर्फ मस्जिद या मंदिर से माइक हटाने का नहीं है। अगर वाकई सरकार को ये एहसास है कि ये माइक की वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, तो ये जो यात्राएं निकलती है कई कई घंटों तक जाम लग जाता है, उसमें जिस तरह माइक और डीजे बजता है उससे जो नुकसान होता है उस पर क्यों नहीं आप रोक लगाते हैं, उसको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं? बहुत बड़ी तादाद में कांवड़िया यात्रा निकलती है, सड़कें जाम हो जाती है और उसके ऊपर में रास्ते में जो है वो डीजे और ये सब चीजें बजती है,
उससे जो नुकसान होता है उसको रोकने की कोशिश नहीं। तो ये जो बात है कि किसी एक खास बात के धर्म स्थल के ऊपर एक माइक लगा हुआ है, 2-3 मिनट के लिए कोई अजान होती है या कोई भजन गाया जाता है, उस पर तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन सड़कों पर जो हंगामे होते हैं और वो जाम हो जाता है और लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, उस पर रोक लगाने की बात नहीं करते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, ये अप्रोच सही नहीं है। सिलेक्टिवली आप कुछ चीजों को सिलेक्ट करें और कुछ चीजों को छोड़ दें, ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम लीडर्स भले ही इसे धर्म के चश्मे से देख रहे हों, लेकिन आम मुसलमान योगी सरकार के एक्शन पर क्या सोचता है ये जानना भी जरूरी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का काम है वो तो सही, अपनी जगह पे सही है, वो तो सभी के लिए, हमारे लिए क्या, सभी के लिए, सब धार्मिक के लिए, हम कमाली को जरूरी नहीं कि हमारे धार्मिक के लिए, सभी के लिए है ये तो सही है। बस सरकार की तरफ से कहा जा रहा है जहाँ भी ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा उसको हम कम करा देंगे, या अगर स्पीकर ज्यादा होगा लाउड स्पीकर तो उसको हम हटवा लेंगे। आप लोग के मन में किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं, सरकार का फैसला ठीक है। ठीक है, लाउड स्पीकर्स के लिए क्या नियम है ये भी समझ लेते हैं। नियमों के मुताबिक सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजवाने की इजाजत है। अगर इसका इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर हो रहा है तो प्रशासन से लिखित इजाजत जरूरी है। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ने अलग अलग पैमाना बनाया हुआ है। इंडस्ट्रियल इलाके में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय है। वहीं कमर्शियल प्लेस पर दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है, जबकि रेजिडेंशियल जगह पर दिन के समय ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल तक होनी चाहिए। सबसे आखिर में साइलेंस जोन है, जहां दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर ही हो सकता है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे 5 साल की कैद और 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। यूपी में लाउड स्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ शिकायतें नई नहीं है, लेकिन पहले की सरकारों ने तुष्टिकरण की वजह से कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब अवैध लाउड स्पीकर्स और हलाल के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है तो इसे मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। दरअसल ये सारी कोशिश 2024 के लिए मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की है, लेकिन योगी सरकार का विजन क्लियर है कि वोटों की सियासत के लिए नियमों की अनदेखी अब नहीं होगी। 18 नवंबर 2023 को हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े लोगों पर FIR दर्ज होने के बाद इस मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अब तक यूपी में 500 जगहों पर जांच पड़ताल की जा चुकी है। इस दौरान लगभग 3000 किलो हलाल प्रोडक्ट्स भी जब्त किए गए हैं। मिलावट की आशंका के चलते 81 सैंपल्स को जाँच के लिए भेजा गया है। योगी सरकार ने राज्य के सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर अपने स्टॉक में मौजूद हलाल प्रोडक्ट्स को हटा लें। साथ ही हलाल सर्टिफिकेट के साथ सामान बनाने वाली यूपी की 92 कंपनियों से कहा गया है कि वो दुकानों पर बेचा गया अपना सामान वापस मंगा लें और उसे बिना हलाल के ठप्पे वाले नए पैक में भर कर बेचें। दरअसल इस्लामिक देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है, वहीं भारत में FSSAI हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देती, लिहाजा ये गैर कानूनी है। देश में दर्जन भर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन बांट रही हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट प्रमुख हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन जब मांसाहारी प्रोडक्ट्स के लिए है तो फिर कॉस्मेटिक, चीनी, पेपरमिंट, तेल, रवा और बेकरी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिया जा रहा है? क्या हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए हिंदुओं के कारोबार पर कब्जा करने की ये साजिश है? मैं पूछना चाहता हूं मुस्लिम प्रसन्न लॉ बोर्ड से और इन तंजीमों के तथाकथित जो लोग हैं उनके सरबराहों से कि आप ये बताइए कि चीनी भी हलाल और हराम होगी, कपड़ा भी हराम और हलाल होगा, क्या आपके चाय की पत्ती भी हराम और हलाल होगी? आपने एक अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये सारे काम किए हैं कि इनसे मैं पूछना चाहता हूं क्या इनके लिए भी आप इसे सर्टिफिकेट देंगे? और आपके पास कौन सी ऐसी लेबोरेटरी है,
कौन से आपके पास ऐसे एक्सपर्ट हैं कि जो आप उसमें से उन्हें ये बता करके कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, या इसमें ये क्वालिटी नहीं है और इसमें ये खराब क्वालिटी है। आपने सर्टिफिकेट पैसे लेकर के आप बांट रहे हैं, आप एक कारोबार कर रहे हैं, ये काम तो सरकार का है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के ऊपर सबसे बड़ा आरोप टेरर फंडिंग का है। माना जा रहा है कि इससे मिलने वाले फंड से इस तरह का नेटवर्क बनाया गया है जिसका फायदा सीधा देश विरोधी संगठनों को मिल रहा है। यूपी में योगी सरकार ने जब से इसकी जांच शुरू की है, मुस्लिम संगठन बौखला गए हैं। सरकार की कार्रवाई को 2024 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है। देखिए, किसी पर यह इल्जाम लगा देना कि अवैध गतिविधियों लगता है, ये यानी मीडिया के प्रोपगंडे के लिए तो ये एक इशू बन सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तत्व है आपके पास में, कौन से सबूत है आपके पास में जिसके बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि ये ऐसी गतिविधियों में लग रहा है जो देश विरोधी है या ऐसी खराब गतिविधियां हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये कंपनियों ने तो ये बात साफ कर दी है कि जो ये इल्जाम लगाया गया हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात मुझे कहनी है कि ये आप कहते हैं कि ये कंपनियों को ये सर्टिफिकेशन देने का अधिकार कहां से आया है? संस्थाएं जो है वो सब रजिस्टर्ड है इंडियन कानून के तहत में, और ये संस्थाएं जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, मौजूद है दुनिया के मुल्कों में जो हलाल सर्टिफिकेशन चाहती है, उनसे भी अप्रूव्ड हैं। तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही है। साफ सीधा मतलब ये है कि 2024 के इलेक्शन के बुनियाद पर ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा चल रहा है, पहले से चला रही है सरकार, उसी को प्रमोट करने की कोशिश है, और इससे अलावा कोई चीज नहीं है। ये प्रोपगंडा का एक वो है तरीका है जो आमतौर पर इनके हाथ में आता है, किसी भी चीज को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए और हमको वोटों को पोलराइज किया जाए। दरअसल देश में हलाल का बड़ा कारोबार है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां बिना किसी योग्यता के करोड़ों रुपए कमा रही हैं। लिहाजा योगी सरकार के एक्शन का विरोध किया जा रहा है। भारत में हलाल प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ की है। इनमें हर साल तेजी से ग्रोथ होता जा रहा है। वहीं पूरी दुनिया में हलाल का मार्केट करीब 2000 अरब डॉलर का है। देश में हलाल कारोबार का नेक्सस काफी फैला हुआ है। अगर सिर्फ यूपी की बात की जाए तो यहां पर हलाल सर्टिफिकेट लेने वाले होटल और रेस्तरां की संख्या लगभग 1400 है, जबकि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मार्केट करीब 30,000 करोड़ का है। स्विगी जोमैटो जैसी बड़ी फूड चेन कंपनियां इसके बिना काम नहीं करती हैं। हलाल सर्टिफिकेट के एवज में कंपनियों को बड़ी रकम देनी पड़ती है। यूपी सरकार ने हलाल बैन की जो शुरुआत की है उसका असर दूसरे राज्यों में भी दिख सकता है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। यूपी में 20% वोटों को हासिल करने के लिए गैर कानूनी काम का समर्थन किया जा रहा है।